हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके ट्रिक में। दोस्तों, हमने सामान्य विज्ञान के जो 5000 प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, आज हम उसका पार्ट नंबर 23 लेके आए हैं। दोस्तों, आप में अगर इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर वह देख सकते हैं। दोस्तों, हम इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप नया नया सीखें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1101 है दोस्तों, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों, यह है त्वरण का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 1102 ले लेंगे दोस्तों, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो दोस्तों, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। क्वेश्चन नंबर 1103 ले लेते दोस्तों, निकट दृष्टि के दोष के प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों, यह रेटिना के सामने बनता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1104, लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है? तो दोस्तों, यह 15% से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1105, गुरुत्व स्थिरांक यानी कि ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी का इकाई क्या है? तो दोस्तों, यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1106, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, टाइफाइड में शरीर की आंतें प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1107, गुणसूत्र क्या है? तो दोस्तों, न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली छाई के समान रचना जो अनुवांशिक कूट को ली जाती है गुणसूत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1108 है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं? तो दोस्तों, 9.46×10^12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1109, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, पेंसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1110 है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का श्रवण किसके द्वारा होता है? तो यह कॉपर लूटेस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1111 है दोस्तों, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, यह होता है 0.65%। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1112, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो दोस्तों, डॉक्टर RN सिंह के द्वारा यह विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1113, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1114, यदि किसी व्यक्ति में एडिनलिया अधिवृक्क के कॉन्टेक्ट को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एडिनल ग्रंथियों के हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, एडिनल ग्रंथियों के हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1115 है दोस्तों, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, 7 से अधिक क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1116, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यह होता है फोटोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 1117, न्यून ताप होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है? तो निम्न तापिकी यह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1118 ले लेते हैं दोस्तों, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1119, रक्त समूह ओ को सामान्य दानकर्ता कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को सामान्य प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो दोस्तों, यह है दोस्तों रक्त समूह ए बी, जो सबसे ब्लड ले सकता है। 1120 ले लेते हैं दोस्तों, DNA का अनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो दोस्तों, DNA का अनुवांशिक कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में ज्ञात किया था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1121 है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1122, एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अन्य ग्रह के जीवों का अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1123, बल संवेग आवेग कैसी राशियां हैं? तो दोस्तों, यह सब सदिश राशियों के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 1124 है दोस्तों, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 1125 है दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो दोस्तों वाटसन और क्रिक की देन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। और दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1126 है दोस्तों, मम्पस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह तार ग्रंथियां होती है। क्वेश्चन नंबर 1127 है दोस्तों, निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह होता है सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1128, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों 1129, स्वचालित ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक्स ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो दोस्तों यह पास्कल के नियम के आधार पर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1130 है दोस्तों, ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो दोस्तों ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1131, पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों 1132, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1133 है दोस्तों, हीरे की चमक होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों 1134, जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? तो दोस्तों यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 1135, PPRC यानी कि पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर भारत सरकार ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को बदलकर अब किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है IICPT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1136, खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होती है? तो दोस्तों मेथेन तथा वायु के मिश्रण से यह विस्फोट होता है। क्वेश्चन नंबर 1137 ले लेंगे दोस्तों, धनुष्टंका नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो दोस्तों यह होता है ATS। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 1138, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1139, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग हैं? तो छोटी व बड़ी आंतें कोलाइटिस रोग में सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1140 है दोस्तों, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो दोस्तों यह है ट्रिप्सिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 1141 ले लेंगे दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो दोस्तों यह फॉलिक अम्ल की उपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 1142 है दोस्तों, पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रभावित वो ज्ञात की जाती है। 1143 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो दोस्तों ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1144, धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म में सहायता करती है? तो दोस्तों यह सभी किरणें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1145 लेते हैं दोस्तों, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 1146 ले लेते हैं दोस्तों, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो दोस्तों एड्स की बीमारी जो है वह विषाणुओं के द्वारा फैलती है। क्वेश्चन नंबर 1147 है दोस्तों, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1148 ले लेते हैं, भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कलापक्कम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1149 है दोस्तों, LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का फुल नेम है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1150, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे भारी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों तीसरी कक्षा में अधिकतम संख्या 18 होती है, तो अधिकतम 18 हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में भी दोस्तों हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आप यह सब हमारे ऑफिशियल चैनल स्टडी GK ट्रिक में देख रहे थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें ताकि औरों को भी नया नया सीखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।